आदाब सलाम नमस्ते, मैं हूं गरिमा और आज आपको मिलवाने जा रही हूं टीवी जगत के एक फेमस पर्सनालिटी से जिनको आपने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में देखा है। इनका नाम है दीपिका देशपांडे, लेकिन आज हम जानते हैं इनको दीपिका अमीन के नाम से। और सीरियल्स में जिसमें हमने उन्हें देखा है वो है जुनून, फरमान और सफर, और आपने इनको वेल डन अब्बा नाम की मूवी में भी देखा होगा। आइए मिलते हैं दीपिका जी से। हाय दीपिका। हाय गरिमा। क्या बताएंगे आज हम क्या बनाएंगे? हाँ गरिमा, आज हम बनाएंगे डेट एंड वॉलनट मफिन्स। वाओ। तो इसकी खास बात यह है कि एक्चुअली ये काफी बेसिक रेसिपी है जी। इस टाइम जो हम बनाएंगे उसमें हम डेट्स एंड वॉलनट्स डालेंगे, यानी के अखरोट और खजूर। लेकिन अगर आप इस ये ना बनाना चाहें तो इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट मफिन्स भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज करके ऑप्शन भी हैं हमारे पास। तो इसके हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं ऐसे, फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप, बटर 4 टेबलस्पून्स बड़े चम्मच, कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 4 टेबलस्पून्स, बेकिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून छोटा चम्मच, 1 अंडा, 1 कटोरी खजूर, 1 कटोरी कटे हुए वॉलनट्स और पानी। तो अब हम शुरू करें। बिल्कुल प्लीज़। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, 1 कप मैदा। इसको हमने छान के लिया है, छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे केक फ्लफी और हल्का होता है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच। अभी मेरे पास ये मेजरिंग स्पून्स हैं, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये आप ये छोटा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बड़े बोल में हम लेंगे 4 टेबलस्पून बटर बड़े चम्मच। ये जो नॉर्मल बटर हमें मार्केट में मिलता है। हाँ हाँ, नॉर्मल बटर मैंने लिया है और इसको थोड़ी देर मैंने बाहर रखा तो नरम भी हो गया, कुछ ज़्यादा ही नरम हो गया, पर कोई बात नहीं। और इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच कैस्टर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरा ओवन गर्म हो चुका है। ये ज़रूरी है कि ओवन हम पहले से गर्म करके रखें ताकि जब हमारा केक का बैटर मिक्स हो जाएगा हमारा ओवन भी रेडी होगा उसके लिए। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। दीपिका जी, फिल्मों के अलावा मैंने सुना आप थिएटर में भी काम करते हैं। हाँ, अब पहले तो काफ़ी सारे सीरियल्स करती थी मैं, लेकिन कई सालों से अब मैं ज़्यादातर थिएटर में हूँ जी। आपने शायद गिरीश कर्नाड जी का भी कोई प्ले किया है। हाँ, उसका नाम है वेडिंग एल्बम और काफ़ी शोज कर चुके हैं हम उसके, काफ़ी कहाँ कहाँ गए, अमेरिका गए और बहुत ट्रैवल किया जी। अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट है 1 अंडा, इसे हम फेंक लेंगे। इनफैक्ट अभी मेरा जो लेटेस्ट प्ले है उसका नाम है परेराज बेकरी। ओके, सो इट्स अबाउट अ बेकर, बेकरी, एक बेकरी के बारे में है जिसमें मैं एक बेकर की वाइफ का रोल करती हूँ। वही एक इंस्पिरेशन है ये चीज़ बनाने का, या पहले से बनाते हैं? पहले से बनाती थी, पर आई गेस चलो अच्छा हुआ उस कैरेक्टर के लिए मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि आता था पहले। इसमें हम अंडा डाल देंगे। और अभी अगर मिलाते टाइम अगर आपको लगे कि अंडा थोड़ा फट रहा है, थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए इसमें, तो फिर अंडा फटेगा नहीं। तो अंडा डालने के बाद, अंडा फेंटने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा मिक्स करेंगे, मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स किया था, और इसको मिक्स करेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं कट एंड फोल्ड। वही पूछना रही थी कि कुछ अलग तरीके से आप मिला रहे हो। हाँ, इसको ऐसे क्रॉस करके घुमा सकते हैं ताकि इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम साथ में। आपकी सुना है मूवी भी आ रही है। हाँ, मैं अभी 2 नई फिल्म्स कर रही हूँ। एक का नाम है रांझना जिसमें है सोनम कपूर और अभय देओल और धनुष, और दूसरी फिल्म का नाम है रज्जो जी। वो भी अभी शूटिंग चालू है उसकी। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड। तो पानी डालते जाएंगे
और इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंने सुना है कि जिनको गाने का शौक होता है वो कुकिंग के टाइम में एक आध लाइन जरूर गाते हैं, तो एक आधी लाइन वेल वैसे तो मैं नहीं गाती कुकिंग के टाइम पे, पर एनीवे रिक्वेस्ट। हाँ ओके ये गाना है जो हम जानते नहीं कि केक कैसा बनेगा। ओके तो डेडिकेटेड टू द केक होपफुली। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और मुझे लगता है केक बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट यही एक एक पल है, हाँ सच में। तो अब हमारा बैटर मिक्स हो चुका है जी, इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं, थोड़ा और पानी डाल के जी इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर हैंड बीटर जी, पर स्पून से भी इजी रहता है। अब हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट है खजूर और अखरोट कटे हुए, और इसे हल्के से फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। खजूर को क्या भिगा के या कुछ रखा है या नॉर्मल? नहीं ऐसे ही रखे हैं, छोटे छोटे काट लिए, सारे ही डाल देती हूँ। तो अगर आप खजूर ना डालना चाहे इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, सिर्फ चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, कोकोनट डाल सकते हैं, फिर आपके कोकोनट केक बन जाएगा। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया। और अब हम इसको डालेंगे मफिन कप्स में, ये इस तरह के मफिन कप्स हैं, इसमें पेपर केस आता है, लेकिन अगर आप फुल एक केक बनाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको हाफ भरेंगे क्योंकि ये ऊपर भी उठेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। हमने अवन कितना प्रीहीट किया हुआ है? हमने अवन 180 डिग्रीज तक को प्रीहीट किया है, और अवन प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमीडिएटली इसको स्टार्ट हो जाएगी। हाँ कुकिंग स्टार्ट, जैसे ही बेकिंग पाउडर किसी गीले चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है वो केक का राइजिंग शुरू वो एक्टिवेट हो जाता है, तो हमको फटाफट उसको अवन में डालना चाहिए। इसमें क्या हम एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं? चाहिए तो आप वनीला डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तो नहीं डालती, अगर डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा, अच्छी चीज़ डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। अब वैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमने अब मफिन केसेस भर दिए हैं, अब हम इसको रखेंगे अवन में जी। अवन को मैंने प्रीहीट किया है 180 डिग्रीज, ये है माइक्रोवेव लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कन्वेक्शन मोड पे, तो मतलब अब ये हाँ बेकिंग के लिए, तो माइक्रोवेव में स्टील नहीं रख सकते, लेकिन अभी क्योंकि ये कन्वेक्शन में यूज़ कर रही हूँ इसमें स्टील रख सकते हैं। इसको हम रखेंगे 180 डिग्रीज और ये मैं रखूँगी 20 मिनट के लिए। ओके स्टार्ट, ये पहले से ही हमने गर्म करके रखा है। तो अब हमारे मफिन्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि मफिन्स ब्राउन नहीं हुए तो आप उसको 5 मिनट और डाल सकते हैं जैसे हमने किया। अभी इसको टेस्ट कैसे करते हैं कि ये बन गया कि नहीं, एक डंडी या कोई नाइफ लेके उसको पियर्स करेंगे हम, तो अगर ये क्लीन निकल आया इसका मतलब हो चुके हैं। और मुझे लगता है खुशबू से भी पता चल रहा है कि ये पक चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं इन मफिन्स में ऐसा क्रैक है जी। ये फॉल्ट नहीं है, ये गलती नहीं है, अगर आप किसी भी केक में नट्स डालेंगे तो ये क्रैक आएगा ही, तो ये इस केक की खासियत है कि ऐसा क्रैक होगा। तो हम इसको निकाल के इसमें सजा देंगे प्लेट में। बहुत गर्म भी नहीं है, हाय भगवान ग्लव पहनने की जरूरत है। क्योंकि हमने ये पेपर कप्स लगाए हैं ये बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं,
अगर आप पैन में बनाएंगे तो उसे पेपर से लाइन भी कर सकते हैं। और ये रहे आपके डेटन वॉलनट मफिन्स। वाह, अभी गरम होगा? गरम है लेकिन खुशबू से ही पता चल रहा है कि काफी टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सच अ वंडरफुल रेसिपी। थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू गरिमा, माय प्लेजर।